आप मायने निकालते हैं। उससे भी बड़ी बात तो यह है आशीष कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय मंत्री पीछे हैं फिलहाल। यूपी में सपा आगे नजर आ रही है, रुझानों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और यूपी में सपा से आगे बीजेपी निकलती हुई अब धीरे धीरे नजर आ रही है और 6 केंद्रीय मंत्री लेकिन यूपी में पीछे नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी मुझे लगता है कि बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मेहनत यूपी में कई नेताओं ने लगाई थी, बड़ी बड़ी रैलियां, मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पर रैलियां की थी, अमित शाह भी मौजूद रहे थे, लेकिन कुछ शॉकिंग रुझान जो है अभी के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल के शर्मा जी, वो सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैं, लेकिन इस बड़ी खबर से जोड़ करके आप जवाब। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए, शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश घोरमोड़े जी, बीजेपी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं 40 सीटों पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मेहनत सफल होती नजर आ रही है जी? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में हमने सभी की सभी सीटों का लक्ष्य रखा था और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के रुझान आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2003-04 से जो 2004 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश ने आज 24 के अंदर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो फिर मैं छत्तीसगढ़ में आऊंगा, जो 2004 के अंदर में जो 40% वोट शेयरिंग थी और वो क्रमबद्ध तरीके से लोकसभा चुनाव में बढ़ती गई, वो 43% हुई, वो 54% हुई, फिर 58% हुई और उस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए जो रुझानों में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर में दिख रही हैं, मुझको लगता है कि सारी सीटें हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात कर लूं तो बीते चुनाव में हम लगभग 50% वोट शेयरिंग के साथ 9 सीटों को जीता था हमने और छत्तीसगढ़ का एक ट्रेंड रहा है, हमेशा से हम 9-10 सीटें जीतते रहे हैं और इसीलिए जनता पर हमको विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हमने सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य रखते हुए एक लक्ष्य तय करके चुनाव हमने लड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये अंतिम परिणाम आएंगे, अभी एक सीट में हम पीछे दिख रहे हैं, लेकिन जब ये परिणाम में परिवर्तित होगा, रिजल्ट आएगा, तो हम 11 और एक सीट कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही है और मुझे लगता है कि ये एक सीट कोरबा की हो सकती है। मैं पूछना चाहूंगी संतोष जी से, हमारे साथ जुड़े हुए संतोष जी, क्या लगता है आपको, एक सीट कोरबा की हो सकती है? ज्योत्सना महंत यहां पर काफी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। ये कोरबा तो ठीक है, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी भी अपना चुनाव जीतेंगे और ये प्रारंभिक रुझानों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि शाम तक रिजल्ट के अंतिम स्थिति क्या होगी। ठीक है, पीछे चल रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं पीछे चल रहे हैं, लेकिन यही ट्रेंड आखिरी तक जारी रहेगा, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर काफी सीटें जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से 29-0 का भी आंकड़ा सामने आ रहा है, ये केवल प्रारंभिक रुझान है। जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी और जिसके कारण अभी जो टोटल जो आ रहे हैं पूरे देश के, उसमें केवल जो एनडीए का जो बहुमत है वो केवल 20-25 सीटों का है, 272 प्लस 20-25, अगर वो 20-25 सीटों का आंकड़ा नीचे आया तो वो बहुमत के नीचे रह जाएंगे और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन वो भी करीब इतना ही पीछे है, अगर उसको 20-25 सीटें प्लस करती हैं तो अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, बहुत कसमकस का चुनाव है, हमें अंतिम नतीजों का इंतजार करना चाहिए। केके शर्मा जी भी जुड़े, केके शर्मा जी यहां तो संतोष जी ये कह रहे हैं कि अभी भाई रुझान भी जो आ रहे हैं परिणाम तक काफी चेंजेस दिखाई देंगे, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी की ओर जाती नजर आ रही है और एक सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 की 29 बीजेपी को जाती नजर आ रही है। देखिए कुल मिला के जो 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया था, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें या नैरेटिव सेट करने के मामले में भाजपा बहुत आगे रही थी, 400 में उलझा करके यदि 272 के आंकड़े को पार करते हैं, पुरानी स्थिति में आते हैं, तब भी सरकार उनकी मजबूत स्थिति में रहेगी ये। और जो इंडिया गठबंधन बना है उसका लाभ आपको यूपी में दिखाई दे रहा है, सपा और कांग्रेस के वोट बैंक क्या एक दूसरे को दे रहे हैं, वोटिंग का चेंज हो रहा है। दूसरी चीज, बसपा जो वहां 10 सीट थी तो क्या वो वोट बैंक जो पिछड़े वर्ग का माना जाता है वो सपा की ओर शिफ्ट हो गया, भाजपा की जो बी टीम मानी जाती है। मैं लौटूंगा के शर्मा जी, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है इंदौर से, नोटा को 83,000 वोट मिले हैं, तो ये नोटा का जो प्रचार कांग्रेस पार्टी संतोष जी किया था वो नोटा अब यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन संतोष जी जो कैंपेनिंग कांग्रेस ने की थी अक्षय कांति बम और बीजेपी के खिलाफ, वो बहुत बड़ी लीड ले रहा है, 83,000 वोट आ गए नोटा में। संतोष गौतम जी, भारतीय जनता
हाँ, मैं कह रहा हूं कि इंदौर की जनता में एक आक्रोश था कि जिस प्रकार अक्षय बम को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डर्टी ट्रिक्स के चलते पार्टी में शामिल कराया था, उन पर 307 का मुकदमा डालकर, उससे पूरे इंदौर में एक आक्रोश था कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाना चाहिए थी, मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशी को हमको चुनने का अधिकार देना चाहिए था। तो अगर ऐसी बात हुई है, नोटा को मुझे पूरा विश्वास है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो नोटा को 1.5 से 2 लाख मत कम से कम इंदौर में मिलेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है कि 83,000 वोट्स नोटा को अगर जा रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कैसी बात होगी? ये देखिए, लोकतंत्र के लिए तो किसी लिहाज से ये सही नहीं है, लेकिन लोगों के राय को आप रोक भी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि उसमें आप क्या बंदिश लगाएंगे, जिनको मान लीजिए मन में है कि नहीं हम किसी पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन यह संकेत ठीक नहीं है। आप किसी को दीजिए, दीजिए जरूर, वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। अब जिस पार्टी को दे रहे हैं दीजिए, देना बहुत जरूरी है, और ये हमारा एक धर्म भी बनता है एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में। उमेश गोरमोड़ी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। मुझे एक वेब सीरीज तो नहीं कह सकते, उस वक्त तो सीरियल ही हुआ करता था, दूरदर्शन पे आता था महाभारत, उसमें एक एपिसोड हमने देखा जिसमें कि चीरहरण का एपिसोड था, उसमें बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, वो नोटा में थे, वो ना हां कर रहे थे ना कर रहे थे, ना वो कौरवों की तरफ थे ना वो पांडवों की तरफ थे, लेकिन यहां जो नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसका मकसद ये था कि लोग कम से कम वोट करने आए, जो ये बहाना बनाते हैं कि हमें तो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, उसलिए शायद नोटा था। लेकिन अगर किसी प्रचार की वजह से या किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से नोटा पर 83,000 वोट पड़ते हैं, तो क्या वीरेंद्र जी ये नोटा भीष्म पितामह नहीं बन जाएगा, जिसके पास ताकत तो बहुत है लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सटीक उदाहरण आपने चुना है, और यह चिंता हर एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, यह कांग्रेस बीजेपी जितने भी हैं सब, क्योंकि भीष्म पितामह बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह बनेंगे तो चीरहरण होगा और महाभारत होगा। कहते हैं कि यदि भीष्म पितामह ने निर्णय लिया होता और एक बल मतलब युवावस्था का निर्णय भीष्म पितामह ने ऐसा निर्णय लिया कि आज हम सब उस महाभारत को देखते हैं, सुनते हैं और उदाहरण देते हैं, तो ये बिल्कुल सटीक आपका उदाहरण है। ठीक है उमेश जी, उमेश जी, उमेश जी 83,000 वोट नोटा पे पड़ गए इंदौर में। उमेश जी आप सोच रहे थे बीजेपी की अक्षय कांति बम को बुला लेंगे तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए आशीष जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तामनम सजामहम हम जी। मुझको लगता है कि जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के रहे, और केवल हम इंदौर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, सूरत के अंदर में भी क्या हुआ, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भी उसमें निर्णय लिया, और रह गई बात नोटा की, तो नोटा निश्चित तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर रहा कि लोग मतदान करने के लिए निकले, और लोगों को मुझको लगता है कि एक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यदि कोई भी कैंडिडेट मतदाता को उनकी भावना के अनुरूप नहीं लग रहा है तो जनता अपना एक कड़ा मैसेज देने के लिए यहां पर स्वतंत्र है। और अगर यहां पर इंदौर के अंदर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 83,000 वोट यहां पर निकल करके आए, तो यह कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है कि कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को मैदान में उतारा वो कांग्रेस का ही भरोसा तोड़ करके, या फिर कांग्रेस पर उसने खुद विश्वास नहीं किया, और वही स्थिति गुजरात के अंदर में भी हमको देखने मिली। तो कांग्रेस को पहले अपने आप को देखना चाहिए कि भैया धूल कहां लगा हुआ है, वो आईना पोछ रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस अपना भी आत्मावलोकन कर ले। और मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल ताजा अपडेट दे देते हैं कि कहां किसको कितनी सीटें जाती नजर आ रही है, आप भी देखिए इस चीज को, क्योंकि मौजूदा समय में जो रुझान आ रही है वो रुझान काफी अलग आ रही है एग्जिट पोल से हटके। देखिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 294 सीटें जाती दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन 229 और अदर्स 20। आशीष काफी डिफरेंट। बिल्कुल, और अंशिका चूंकि हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये जो रिजल्ट है ये 12-1 बजे तक शायद समाप्त हो जाए, लेकिन अब ये आज पूरे दिन का काम हो गया है, और ये काम पूरे दिन का इसलिए हो गया क्योंकि राउंड जो है वो 44 राउंड तक काउंटिंग जा सकती है, और अभी राउंड कुछ स्पष्ट नहीं है कि कितने राउंड तक वोटिंग आएगी। और ये देखिए एनडीए यहां पर 294 सीटों के साथ अभी लीड कर रही है, लेकिन 229 सीटें INDIA गठबंधन को मिलना भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावों को थोड़ा अभी दरकिनार कर रहा है, जिसकी उम्मीद मुझे लग रहा है कि एनडीए के किसी बड़े नेता को घटक दल को नहीं रही होगी। अगर हम दावों को भी छोड़ दें तो फिर 272 का बहुमत का आंकड़ा तो एनडीए पार करती नजर आ रही है, यहां पर इंडिया की बात करें तो 229 है, लेकिन कॉम्पिटिशन काफी
टफ है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। बिल्कुल, और चूंकि अगर यहाँ पर एनडीए को और सीट्स नहीं मिलती हैं तो भी ये सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। और मेघालय से बड़ी खबर, कांग्रेस की तुरा में जीत। देखिए सीटों पर स्पष्ट नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं, और आपको बता दें कि स्वालेंग में जहां अब रिजल्ट आया है वो रिजल्ट दिखा रहा है न्यूज 18 पर। ये सबसे पहला नतीजा जो घोषित रूप से नतीजा आ चुका और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं न्यूज 18 पर, पहला नतीजा आ चुका है। और पहले नतीजे में कौन जीता कौन हारा, मेघालय के तुरा से देखिए, आगा था के संगमा जो कि हारी है, इसके अलावा जीता